नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गौर जिला नाम सुनते ही सामने एक विशाल काय जीव की काया उभर कर आती है और हम इसे देखते देखते गौर जिला की दुनिया में चले जाते हैं। वैसे तो 1954 से ही गौडजिला सीरीज का जिक्र हो गया और बचपन से ही हम गौडजिला के बारे में सुनते आ रहे हैं। कुछ साल पहले 2014 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी, नाम था गौडजिला। फिल्म ने शुरुआत की मॉन्स्टर वर्स की। मॉन्स्टर वर्स के तहत प्लान था गौडजिला जैसे और भी दैत्यों पर फिल्म बनाने का। तो इसी प्लान को जारी रखते हुए दूसरी फिल्म आई 2017 की, कॉन्ग स्कल आइलैंड। यहाँ कॉन्ग की दुनिया दिखाई गई जो स्कल आइलैंड का राजा है। गौडजिला की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस मॉन्स्टर वर्स की तीसरी फिल्म आई। फिल्म थी 2019 में आई गौडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। अब इसी सीरीज की चौथी फिल्म आई है जहाँ गौडजिला और उसकी टक्कर का कॉन्ग आमने सामने है। गौडजिला वर्सेस कॉन्ग हाल ही में थिएटर्स पे रिलीज हुई है, लेकिन क्या ये मॉन्स्टर वर्स की चौथी फिल्म आपके समय की हकदार है? गौडजिला और कॉन्ग दो माइथोलॉजिकल जीव हैं, भयंकर किस्म के, जिनकी दहाड़ से आसपास का सारा इलाका दहल उठता है। अपने दम पर तगड़ी तबाही मचाने का ये दम रखते हैं। गौडजिला पानी में रहता है, वहीं स्कल आइलैंड कॉन्ग का ठिकाना है। ये दोनों जीव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इतने कि सामने आ जाएं तो चीरफाड़ मचा दें। इसलिए कोशिश की जाती है कि इन्हें एक दूसरे से दूर रखा जाए और ये कोशिश करने वाले हैं हम जैसे, आप जैसे इंसान जो पिछले 10 सालों से कॉन्ग को मॉनिटर कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द एक कंटेनमेंट जोन बनाकर। लेकिन स्कल आइलैंड कॉन्ग की असली दुनिया नहीं है, उसकी दुनिया जमीनी सतह से बहुत नीचे बसी है जिसका नाम है होलो अर्थ। होलो अर्थ सिर्फ कॉन्ग का घर नहीं बल्कि उसके जैसे असंख्य जीवों का घर है। कुछ जमीन पर रेंगने वाले तो कुछ हवा में उड़ने वाले हैं। आइए अब पूरी कहानी आपको सुनाते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आखिर गौडजिला और कॉन्ग में कौन ज्यादा ताकतवर है। एक दिन अचानक गौडजिला जाग जाता है जो इतने सालों से शांत बैठा था। गौडजिला के बारे में धारणा है कि वो कुछ भी कभी भी अपने आप नहीं जागता। कुछ ऐसी घटना है जिसकी वजह से वो पानी से बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। उधर कॉन्ग को अपने कंटेनमेंट जोन से बाहर लाया जाता है ताकि उसे होलो अर्थ ले जाया जा सके। अब एक खतरा बन जाता है, कॉन्ग और गौडजिला के एक दूसरे के सामने आने का क्या होगा असर जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे और इन दोनों के बीच इंसान क्या कुछ करेगा। यही फिल्म की कहानी है। बस फिल्म शुरू करने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा, इसमें किसी भी किस्म के लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करें और इसे बंद कर दें, क्योंकि लॉजिक फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इसे बस आपको एंटरटेन करना है जो कि ये बखूबी करती भी है। फिल्म देखने के लिए अपने अनुभव को एक थीम पार्क की राइड की तरह समझिए और बेफिक्र होकर अपनी राइड पर बैठ जाइए। उसके बाद सारा काम उस राइड का है। वैसे तो पूरी फिल्म ही छुटपुट एक्शन सीन से भरी हुई है, फिर भी कॉन्ग और गौडजिला के एक्शन सीन सब पर भारी पड़ते हैं, पूरी तरह एंटरटेन करते हैं। गौडजिला और कॉन्ग फिल्म के दो सबसे मजबूत पहलू हैं, लेकिन यहाँ एक तीसरा पहलू भी है जो कमजोर पड़ता है, वो है फिल्म के इंसान। ये तुलना ताकत के तौर पर नहीं की गई, राइटिंग के तौर पर भी की गई है। फिल्म ने अपने इंसानी किरदारों को ठीक से सांस लेने की भी जगह नहीं दी। कुछ इमोशनल सीन्स का स्कोप तो साफ बनता था, कहानी दो नायकों के अलावा किसी और चीज को ज्यादा फुटेज देने की अनुमति नहीं देती। यही फिल्म का कमजोर पक्ष है कि फिल्म का दिल उसकी सही जगह पर नहीं था। दूसरी वजह 2014 में आई गौडजिला से जुड़ी हो सकती है। दरअसल 2014 की फिल्म में ह्यूमन टच था इतना कि शुरुआती 40 मिनट फिल्म ने इंसानों की कहानी दिखाई। हालांकि उस समय इस बात की आलोचना हुई कि मॉन्स्टर की फिल्म में भला इंसानों का क्या काम, इतनी स्पेस देने का क्या मतलब। शायद इसलिए स्टूडियो ने इस बार काट-छांट करने का फैसला लिया। वैसे जो भी हो, ये फिल्म आप जरूर देखिए। ऐसे विजुअल्स, ऐसा एक्शन कि थिएटर में अपना फोन चेक करना आप भूल जाएंगे, मम्मी कसम। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।